जो हमने अभी किया इससे पहले वो लेंस मेकर था, लेंस बनाया। अब लेंस में कैसे अप्लाई करना है, लेंस के अंदर यू और वी और एफ कैसे रिलेटेड है, ये करेंगे। तो लेंस दो टाइप के, कन्वेक्स कनकेव। कन्वेक्स में इमेज दो टाइप की, रियल एंड वर्चुअल, और कनकेव के अंदर वर्चुअल। तो पहला केस है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर ये टेंथ वाला केस है सेम, ये आपके पास एक लेंस है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। याद रखना फोकल लेंथ के बियॉन्ड लेफ्ट की तरफ ही रखना है ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट की तरफ रखना है फोकल लेंथ, मार्क जरूर करना है फोकल लेंथ, अगर नहीं की गड़बड़ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ के यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे सीधी, एक रे सेंटर में से पास करते हैं, तो ये जहां मिलेंगी वो क्या होगी, इसकी इमेज होगी। ठीक, तो ये इसकी इमेज है। इसके अंदर नाम ऐसी रखने हैं ए बी सी डी और ए डैश और बी डैश। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, इमेज का डिस्टेंस वी, और जो रियल इमेज है इसमें, क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल रही है, तो यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है। ठीक, तो ट्राइंगल वही स्टैंडर्ड है। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी करो इसे, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। तो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, इट्स सिमिलर। ट्राइंगल से रेशियो ले लिया आपने। नेक्स्ट ट्राइंगल याद रखना है ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ। तो नेक्स्ट ट्राइंगल में ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस। तो अगर आप ये दो रेशियोज लेंगे तो दोनों की अगर आप, और क्योंकि इसके अंदर जो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो आप चेक कर सकते हो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन आई उसमें सी डी आ रहा था, सी डी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ए बी। तो ये और ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। सारे डिस्टेंसेज लेंस के सेंटर से लिए जाते हैं, एक डिस्टेंस सेंटर से नहीं है, एफ बी डैश। तो ये एफ है, ये बी डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे, सी बी डैश माइनस सी एफ। तो सी बी डैश माइनस सी एफ, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, सी बी इज माइनस यू, सी बी डैश इज प्लस वी, और फोकल लेंथ सी एफ तो हमेशा कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही होती है। तो अगर आप तीनों वैल्यूज को यहां पुट करें, यहां पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू वी एफ से डिवाइड करें, तो वही फॉर्मूला आएगा जो आप टेंथ में करके आए हैं, वन बाई एफ इज वन बाई वी माइनस वन बाई यू। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डायग्राम कैसे बनने हैं, डायग्राम है ना, देखो प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीधा डायग्राम बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बनाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकल लेंथ बनाएं, ये ऑब्जेक्ट बनाएं। जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ के बियॉन्ड लेफ्ट की तरफ है, तो इमेज जैसे आपने बड़ी बनाई, तो बेटर है आप इमेज को पहले बना लें, गड़बड़ी नहीं होगी। तो एक रे सीधी पास करें और स्केल से ऐसे ज्वाइन करें, बोल देंगे फोकस है, और एक स्केल से सीधी ऐसे पास कर दें, बन गई इमेज। इंस्टेड की आप रेज को मिलाएं तो ना बड़े छोटे डायग्राम बनते हैं। इमेज पहले प्लॉट कर ले, पता ही इमेज कैसे बननी है, पता ही ऑब्जेक्ट घर से पढ़ के जाओगे तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, तो उसी स्पेस में बनेगा जो बनाना चाहते हो। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज के अंदर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस बार ऑब्जेक्ट आपने फोकल लेंथ के राइट पे रखना है, फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में रखना है। तो एक रे सीधी फोकस में से, एक यहां से, दोनों मिलेंगी, इमेज बनेगी। आप ऐसे ना ड्रॉ करें, ऐसे कर लें, आप घर से पढ़ के जाएंगे। तो ये फोकस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज आपकी बड़ी बननी बननी है। तो एक रे आप बनाएंगे सीधी, तो यहां से स्केल रखते हुए ऐसे ऐसे पास करेंगे फोकस में से, और एक रे स्केल रखते हुए यहां पे और ऐसे पास करेंगे, बन गया डायग्राम। गलत होने का चांस कहाँ है। ठीक है, तो ये हमें मालूम है। तो इसमें ट्राइंगल वही है, इन ट्राइंगल वही, सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलैरिटी लेके बिल्कुल सेम रूल है, बस साइन कन्वेंशन देख लें। इसमें यू क्या है, नेगेटिव, इसमें वी क्या है, नेगेटिव। वर्चुअल में यू एंड वी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और सारी वैल्यूज पुट करके जो आंसर आएगा वन बाई एफ वन बाई वी माइनस वन बाई यू। ऑब्जेक्टिव पोर्शंस के लिए ये शॉर्टकट सीधे काम आ जाते हैं। अगर आपके पास ये एक लेंस है और रेज आ रही हैं, अगर सीधी आ रही हैं तो फोकस पे मिलती हैं, टेढ़ी आ रही हैं तो फोकल प्लेन पे मिलती हैं। तो अगर इमेज जो है फोकल प्लेन पे मिलती है तो रियल है, एक्चुअल में मिल रही है, और डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज बन रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है 2f के बियॉन्ड है, लेफ्ट की तरफ है, 2f के बियॉन्ड है, तो इमेज याद रखना f और 2f के बीच में ही बनेगी, ये रूल है। और इमेज कैसी बनेगी,
डिमिनिश छोटी बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी, दूसरा केस है। तीसरा केस है अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 2f पे है, ट्वाइस दी फोकल लेंथ, तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, 2f पे बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है यहां तक। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो आपकी इमेज 2f के राइट पे बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, मतलब रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड लास्ट भी बनेगी। ठीक। नेक्स्ट केस है अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f और f f और सेंटर के बीच में है तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बड़ी बनेगी। ये हमने सारे केस कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ये केसेस जो हैं काम आ जाते हैं सीधा आंसर देने के लिए। उसी तरीके से लास्ट है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या करना है, कनकेव लेंस में आपने एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो एक आप इस ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख लो, बन्नी वर्चुअली है, तो एक रे सीधी पास करो डाइवर्जिंग है, एक सेंटर से पास करो, जहां ये मिलेगी वहां इसकी इमेज बनेगी, बात खत्म। ट्राइंगल वही लेने हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, फिर सिमिलैरिटी लेनी है, इसमें याद रखना है यू इसमें नेगेटिव है, वी इसमें नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव ही है, पर लेंस फॉर्मूला इसमें सेम आएगा, वन बाई एफ इज वन बाई वी माइनस वन बाई यू। क्लियर है।